तो नमस्कार स्टूडेंट, जैसा मैं आज आपके सामने जो लेकर के आया हूँ कि जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन का कोर्स कर रहे थे, मोबाइल फ़ोन के बारे में सारी चीज़ों के बारे में समझ रहे थे, बहुत ऐसे स्टूडेंट ने हमारे पास डिमांड रखे कि सर आपने मोबाइल फ़ोन की तो बहुत सारी वीडियो डाली हैं लेकिन लैपटॉप पर आपने एक भी वीडियो नहीं डाला या बहुत कम वीडियो डाला हुआ है। तो आज मैं लैपटॉप के बारे में पूरा कोर्स के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि किस तरीके से आप लैपटॉप रिपेयरिंग के कोर्स को आप सीखने वाले हैं। जो कंप्लीट कोर्स है हमारे पास लैपटॉप रिपेयरिंग का, तो ये 3 महीने का कोर्स है। 3 महीने के अंदर जितने भी सारे लैपटॉप आते हैं, सारे लैपटॉप को हम आपको पूरा चिप लेवल तरीके से, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से आपको पूरा कंप्लीट आपको रिपेयरिंग करना हम आपको सिखाते हैं। आज हम आपको जो उसका सिलेबस बताने वाले हैं कि किस तरीके से लैपटॉप रिपेयरिंग का क्लास हम लोग करेंगे, कैसे लैपटॉप के बारे में हम लोग सीखेंगे, कौन कौन से हमारे पास लैपटॉप है सिखाने के लिए, किस तरीके से रिपेयरिंग सीखते हैं। सबसे पहली बात, मैं जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट के लिए कहना चाहता हूँ, ये जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है ये कानपुर में पड़ता है, ईटेक इंस्टीट्यूट नाम से, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, सीसीटीवी है या एलईडी स्मार्ट टीवी है, इस तरह के बारे में आपको पूरा कंप्लीट आपको ट्रेनिंग मिलता है। यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक का पूरा कंप्लीट नॉलेज आपको सिखाया जाता है, ए से लेकर जेड तक आपको पूरा कंप्लीट कोर्स आपको सिखाया जाता है विथ प्रैक्टिकल तरीके से। हम कोर्स को 100 में से 70% कोर्स को पूरा प्रैक्टिकल तरीके से सिखाते हैं। दूसरी बात, प्रैक्टिकल तरीके से सिखाने का मतलब क्या रहता है, किस तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से सिखाते हैं, आज हम उसी के बारे में जिक्र करने वाले हैं। ये आज का जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट के लिए है जो बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के बिल्कुल हीरो लेवल तक का जो सफर तय करने वाले हैं। आज मैं आपको लैपटॉप के बारे में आपको पूरा वीडियो देने वाला हूँ। दूसरी बात क्या है, वीडियो के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको लैपटॉप के बारे में आपको पूरा ए से लेकर जेड तक आपको पूरा ट्रेनिंग आपको मिलने वाला है। इसके आपको अलग अलग क्लास के पूरे सारे चैप्टर्स मिलेंगे, जैसे मोबाइल फ़ोन के बारे में मैंने डाला हुआ है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, आपको 50,000 वीडियो मिलेगा जो आपको फ्री में आपको लैपटॉप के बारे में पूरा अपडेट करेगा और आपको उससे सीखने का मौका मिलेगा, काम करने का जरिया तरीका पता चलेगा और आपको ये पता चलेगा कितना आसान तरीके से आपको सीखने को मिलता है। दूसरी बात क्या रहता है, ये जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है ये सागर मार्केट में पड़ता है, ये सागर मार्केट नियर कानपुर सेंट्रल के पास में पड़ता है। यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात यह कि इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरा मार्केट है, अगर उत्तर प्रदेश का ये पूरा गढ़ है, मोबाइल फ़ोन लैपटॉप का इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा गढ़ है, यहाँ पर सब लोग अपने डिवाइसेस को ले करके आते हैं बनवाने के लिए, ठीक कराने के लिए, ताकि उसमें अगर कोई भी खराबी आ जाती, कोई भी समस्या आती, कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर लाते हैं कि भैया, यहाँ पर ऐसा सिस्टम होता है कि हम लोग 500-600 रुपये लेकर के कोई भी मदरबोर्ड के अंदर आने वाले फॉल्ट को रिपेयर करके, 800 रुपये लेकर के फॉल्ट को रिपेयर करके दे देते हैं। वो लोग फिर कस्टमर से कितना भी चार्ज लेते हैं जा करके, इससे हमारे स्टूडेंट को यह सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है कि उनको फ्री में इन सब चीज़ों के बारे में लैपटॉप रिपेयरिंग करते हुए उनको देखने का मौका मिलता है, जिससे उनको फ़ायदा ये रहता है कि उनको पूरा फुल्ली प्रैक्टिकली नॉलेज मिलता है और ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ों के बारे में समझने को मिलता है। चलिए वीडियो को ज़्यादा आगे न लंबी लेते हुए हम आपको उसके बारे में समझाते हैं और आपको सेटअप दिखाते हैं किस तरीके से हम लोग लैपटॉप रिपेयरिंग को सीखने वाले हैं पूरा फुल्ली प्रैक्टिकल तरीके से। सबसे पहली बात क्या है, लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स को सिखाने के लिए हमने बहुत उसको आसान तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ है ताकि आप उसको आसान तरीके से सीख सकें। ये वीडियो बिल्कुल जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आज तक लैपटॉप का एल नहीं देखा, एल नहीं समझा, कंप्यूटर का बिल्कुल कंप्यूटर के बारे में जाना ही नहीं, वो लोग यहाँ से लेकर के पूरा 100% लेवल तक का कंप्लीट सफर तय करने वाले हैं। सबसे पहली बात क्या है, ये लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स है, इस लैपटॉप रिपेयरिंग के कोर्स को हमने अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। सबसे पहला हिस्सा चलता है जिसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर, सबसे पहला पार्ट चलता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आपको जैसे कंप्यूटर के बहुत सारी बेसिक ऑपरेटिंग, कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करते हैं, कंप्यूटर को चलाते कैसे हैं, या कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल पैनल सेटिंग, कंप्यूटर के अंदर विंडो कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है, ड्राइवर कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है, या जितने भी विंडो 7, 8, 10, 11 जो भी सारी विंडोज़ आती हैं उनको कैसे प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, या विंडो के अंदर जितने भी ड्राइवर की सारी समस्या आती हैं, जैसे वाईफाई नहीं चल रहा है,
या इंटरनेट नहीं चल रहा है, लैन केबल नहीं कनेक्ट हो रहा है, या उसके अंदर साउंड नहीं चल रहा है, या किसी भी तरीके के ड्राइवर से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको सॉफ्टवेयर में आपको बताया जाता है। सॉफ्टवेयर का मतलब वो नहीं कि जो कंप्यूटर टैली C++ जावा ऐसा कहीं कुछ नहीं, कंप्यूटर में जो रिपेयरिंग से संबंधित जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपको पूरा इसमें सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग में आपको बताया जाता है। ये आपका सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग में आ जाता है, जिसमें आप सारे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को इंस्टॉल करना भी सीख जाते हैं, विंडो इंस्टॉलेशन सीखते हैं, सॉफ्टवेयर के सारी यूटिलिटीज़ के बारे में सीखते हैं, सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सीखते हैं, ये सारा सब कुछ हम लोग सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग में सीखते हैं। उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक चलता है जिसे हम लोग बोलते हैं बेसिक। इस बेसिक की क्लास में हम लैपटॉप पार्ट्स के बारे में सीखते हैं। इस बेसिक क्लास के अंदर जैसे मेरे पास ये लैपटॉप आ गया, इस लैपटॉप के अंदर कौन कौन तरीके से पार्ट्स लगे हैं, पार्ट्स का नाम क्या है, कौन सा हमारा इसका डिस्प्ले है, कौन सा हमारा इसका कीबोर्ड है, इसके अंदर हार्ड डिस्क कौन सी लगी है, रैम कौन सा है, i3 है, i7 है, i5 है, P1, P2, P3, क्या सारी चीज़ें हैं, मदरबोर्ड क्या लगा है, DDR1, DDR2, DDR3, रैम क्या है। तो कुल मिला करके हमारे जितने भी सारे कंप्यूटर के अंदर, पहली बात तो कंप्यूटर या लैपटॉप कोई ऐसी डिवाइस नहीं है कि आपने बस रख दिया चलने लगी, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्सों से मिलकर के बनी होती है। वो कई सारे अलग अलग पार्ट्स को जोड़ करके बना देते हैं तब वो चलती है। जैसे उसका कीबोर्ड अलग होता है, डिस्प्ले अलग होता है, माउस अलग होता है, टच पैड अलग होता है, स्पीकर से अलग होता है, DVD राइटर अलग होता है, हार्ड डिस्क अलग से लगा होता है, बैटरी अलग से लगा होता है। इस तरीके से जितने भी सारे पार्ट्स आते हैं वो हम लोग बेसिक में सीखते हैं। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा कार्ड लेवल भी कहते हैं, जिसमें आपको ए से लेकर जेड तक जितने भी सारे पार्ट्स आते हैं सारे पार्ट्सों के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। इसमें आप डेस्कटॉप के बारे में भी सीखेंगे और लैपटॉप के बारे में सीखेंगे। हम लोग ज़्यादातर आपको लैपटॉप के बारे में ही सिखाते हैं, लेकिन डेस्कटॉप के बारे में भी सिखा देते हैं ताकि आपके पास कोई भी चीज़ आती है तो आपसे वापस नहीं जाती और आप उसको बना करके देते हैं, ठीक करके देते हैं। ये हम लोग बेसिक में सीखने वाले हैं। बेसिक के बाद फिर हम लोग सीखने वाले हैं चिप लेवल। चिप लेवल का मतलब ये रहता है कि जो हमारे पास जैसे लैपटॉप का जो मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड के अंदर जितने भी सारे पार्ट्स लगे होते हैं, उन पार्ट्स को रिपेयरिंग कैसे करते हैं, हॉटगन मशीन से उसके अंदर के जितने भी सारे पार्ट्स आते हैं उन पार्ट्स को निकालते कैसे हैं, कंपोनेंट को कैसे निकालते हैं, या बोर्ड के अंदर जो रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड या जैक, USB जैक, स्पीकर के स्लॉट्स या ऑन ऑफ स्विच का पत्ता, ये जो इस तरीके से जितने भी सारी जो चिप लेवल की रिपेयरिंग होती है, जिसको कुल मिला के आयरन कहिया, मल्टीमीटर या हॉटगन मशीन से, DC सप्लाई मशीन, इस तरीके से जो रिपेयरिंग किया जाता है वो सब हम लोग चिप लेवल में सीखते हैं, पूरा फुल्ली तरीके से प्रैक्टिकली करते हैं। मतलब किसी पार्ट्स को लैपटॉप के अंदर ख़राब हो गया है उसको रिपेयर कैसे किया जाएगा, ये हम सारा सब कुछ हम लोग चिप लेवल में सीखने वाले हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक आपका स्टार्ट होता है, इस अगले टॉपिक में हम लोग फॉल्ट फाइंडिंग सीखते हैं। फॉल्ट, यदि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उसके अंदर कोई भी कमी आती है, किसी भी प्रकार की कोई कमी आती है, उस कमी को कैसे रिपेयर किया जाएगा। उसके अंदर दो तरीके के टेस्टिंग बनती हैं, एक हमारी टेस्टिंग होती है कूल टेस्टिंग, दूसरी हमारी टेस्टिंग होती है हॉट टेस्टिंग। उसके अंदर कौन कौन से सेक्शन होते हैं, वोल्टेज सेक्शन कौन सा है, VRM सेक्शन कौन सा है, रैम सेक्शन कौन सा है, CPU सेक्शन कौन सा है, ऑडियो सेक्शन कौन सा है, या डिस्प्ले सेक्शन कौन सा है, लाइट सेक्शन कौन सा है, इस तरीके से हम लोग पूरे फॉल्ट फाइंडिंग के अंदर जितना भी लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर जो भी मदरबोर्ड के अंदर जो भी सारी प्रॉब्लम आती है, वो सारी प्रॉब्लम को हम बिल्कुल चिप लेवल तरीके से आपको ए से लेकर जेड तक आपको पूरा रिपेयर करना सिखाते हैं। हर एक एक सेक्शन के बारे में डिस्क्राइब करके बताते हैं कि ऑन ऑफ स्विच की सप्लाई है कहाँ से आती है, IO कैसे काम करती है, या BIOS को किस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है, BIOS कैसे काम करता है, या आपका RAM किस तरीके से काम करती है, या जितने भी सारे CPU कैसे काम करता है, CPU को काम करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए होता है, चार्जिंग कैसे होती है, बैटरी में चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो कैसे रिपेयर करते हैं, इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे,
ये सारा सब कुछ हम लोग ए से लेके जेड तक जो होता है वो हम लोग इस फॉल्ट फाइंडिंग में सीखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि किस तरीके से हम आपको सॉफ्टवेयर है, बेसिक लेवल, कार्ड लेवल का है, चिप लेवल का है, फॉल्ट फाइंडिंग है, ए से लेकर जेड तक आपको पूरा कंप्लीट कोर्स सिखाते हैं। इस कोर्स को सीखने में समथिंग 3 महीने का समय लगता है। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं अगर कोर्स को जल्दी सीखना चाहते हैं तो 2 महीने में भी सीख सकते हैं, लेकिन उनको पर डे 5 से 6 घंटे का समय देना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है कि फुल डे ट्रेनिंग लेते हैं तो आप उस कोर्स को 45 दिन या 2 महीने के अंदर कंप्लीट सीख करके आराम से जा सकते हैं। हम कोर्स को प्रैक्टिकल तरीके से ही सिखाते हैं ताकि आपको सीखने में, आपको रिपेयरिंग करने में, आपको काम करने में किसी भी चीज़ में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं रहती। यहाँ पर रिपेयरिंग के लिए बहुत सारे लैपटॉप आते रहते हैं, जिससे क्या होता है जो स्टूडेंट हमारे पास सीख जाते हैं, हम कोर्स को सीखने के दौरान जब बच्चे हमारा पूरा कोर्स सीख जाते हैं तो सीखने के बाद हम उनको प्रैक्टिकल के लिए जो हमारे पास लैपटॉप है या जो भी डिवाइस बनने के लिए आते हैं या जो भी मोबाइल फ़ोन बनने के लिए आते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ LED स्मार्ट TV बनने के लिए आती है तो हम उनको रिपेयर करने के लिए देते हैं। देने के बाद बच्चे उसको रिपेयर करके देते हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारे काम तो ऐसे होते हैं जो हम कस्टमर को फ्री में कर देते हैं कि यहाँ पर मार्केट में पता चला लैपटॉप की कोई प्रॉब्लम बनवाने के लिए आया, हमने उसको ऐसे ही ठीक करके दे दिया। क्यों ऐसे ठीक करके दे दिया? क्योंकि वो स्टूडेंट ने रिपेयर कर दिया। स्टूडेंट को एक ये फ़ायदा मिलता है कि उसको फुल्ली प्रैक्टिकली नॉलेज मिलता है, उसको ये लगता है कि मैंने जो काम किया, जो मैंने काम सीखा वो बिल्कुल अच्छी तरीके समझ में आया। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि आपको थ्योरेटिकली प्रैक्टिकल तरीके से सीखने में बहुत बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि आपको जो चीज़ सिखाई गई, आपको बताया गया, आपको समझाया गया, लेकिन अगर आपने कभी देखा ही नहीं, आपने कभी उसको समझा ही नहीं, आपने अपने हाथों से उस चीज़ को कभी बनाया ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि वो काम कभी आप कर पाएंगे। ये लाइन जो अपना रहता है थोड़ा सा सर्विस लाइन रहता है। इस सर्विस लाइन में रहता है कि जैसे मान लिया मेरे पास ये लैपटॉप आया बनने के लिए, इस लैपटॉप के अंदर प्रॉब्लम है कि चार्जिंग नहीं हो रही है, चालू नहीं हो रहा, ऑन नहीं हो रहा है। अगर ये लैपटॉप ऑन नहीं हुआ ना तो आपको कस्टमर पैसा नहीं देने वाला, वो आपको दोस्त पैसा तभी देगा जब उसकी डिवाइस बन जाएगी, जब उसकी डिवाइस बन जाएगी तभी आपको पैसा देगा। तो आज जो हम लोग, जो मैंने आपको कोर्स को बताया, इस कोर्स के बारे में हम ए से लेकर जेड तक हम पूरा आपको लैपटॉप के बारे में पूरा चिप लेवल तरीके से सिखाते हैं। इस कोर्स को सीखने के जो सॉफ्टवेयर का जो क्लास होता है समथिंग 7 से लेकर के 10 दिन तक का क्लास होता है। उसके बाद बेसिक जो कार्ड लेवल का क्लास होता है, जिसका जो क्लास होता है ये 15 से लेकर के 20 दिन का क्लास होता है, जिसमें आपको बेसिक कार्ड लेवल, पार्ट चेंज करना, LCD चेंज करना, डिस्प्ले चेंज करना, सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। उसके बाद चिप लेवल का जो क्लास होता है ये 10 दिन का क्लास होता है। उसके बाद जो फॉल्ट फाइंडिंग का जो क्लास होता है ये कम से कम 20 से लेकर के 30 दिन का क्लास होता है, जिसमें मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के अंदर जो भी कमी आती है उस कमी को रिपेयर कैसे किया जाएगा। पहले 20 दिन हम उस चीज़ के बारे में सीखते हैं, सीखने के बाद फिर हम 10-15 दिन बच्चों से रिपेयरिंग करवाते हैं। जो भी डिवाइसेस आते हैं खूब बनने के लिए आते हैं तो उनसे रिपेयरिंग कराते हैं। तो रिपेयरिंग करने से क्या होता है, उनका हाथ साफ हो जाता है, उनका हेजिटेशन ख़त्म हो जाता है, उनका काम करने का तरीका खुल जाता है और वो किसी काम को बेहतर और अच्छे तरीके से करने लगते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको लैपटॉप के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। अब आपको इसके बारे में एक एक करके सारे टॉपिक के बारे में आपको क्लास का वीडियो आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग बेसिक लैपटॉप, कार्ड लेवल, चिप लेवल, फॉल्ट फाइंडिंग, एक एक करके सारा वीडियो के बारे में हम लोग सीखेंगे। ये ऐसे स्टूडेंट के लिए है जिससे आपको हेल्प मिलेगी, सीखने के बारे में मिलेगा। और भी कोई आपको नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट करें, उसके बारे में समझें, हमसे पूछें, या हमारा नंबर दिया हुआ 6391711711, इस नंबर पर आप कॉल करें, मैसेज करें या स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। अगर आप इस चीज़ का पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी का पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ईटेक स्टूडेंट कानपुर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रहने वहने के हॉस्टल फैसिलिटी सारा सब कुछ मिल जाता है, रहने का किसी भी स्टूडेंट का कोई पैसा, कोई चार्जेस नहीं लगता। बहुत आप कम से कम फीस में बहुत अच्छी से कम्प्लीट नॉलेज को सीख करके जाते हैं। हमारे पास सारे स्टूडेंट के लिए इस बात की सिक्योरिटी रहती है, जो भी स्टूडेंट आते हैं तो उनको मैं फुल्ली प्रैक्टिकल तरीके से ट्रेंड करके ही भेजता हूँ, पूरा कंप्लीट सिखा करके भेजता हूँ, ए से लेकर जेड तक पूरा कंप्लीट ट्रेंड होकर के ही जाते हैं। थैंक यू दोस्तों।